हमें भगवान हमारे लिए दुख नहीं बनाते, हम दुख चाहते नहीं, फिर भी दुख मिटता नहीं और सुख टिकता नहीं, ऐसा क्यों? तो उसमें चार गलतियां हैं। एक तो भूतकाल की बातें याद करके बेवकूफी से हम दुख बनाते हैं। जो है नहीं, चला गया, उसको याद करके बेटा नहीं है, मैं पहले संपत्तिवान था, पहले अच्छी नौकरी थी, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, पहले इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। अब वो समय नहीं, कहने वाला नहीं, उसको याद कर करके, अपने भूतकाल को याद कर करके वर्तमान में जहर घोलने की गलती करते, इसलिए दुख होता है। दूसरा, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, अपना क्या होगा, कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे। अरे मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा, आग जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। तू चिंतन कर, पुरुषार्थ कर, लेकिन चिंता करके भविष्य को अभी वर्तमान में जहर घोलने वाला मत बना। भविष्य वो है जो है नहीं, भूतकाल वो है जो है नहीं, जो है नहीं उधर को जाते हैं और जो है उसका अनादर करते हैं। वर्तमान को आप सुखी रखिए, वर्तमान में व्यर्थ की इच्छाएं करते हैं, व्यर्थ की वासनाएं, शेख चिल्ली की के किले बांधते, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं हुआ तो भी क्या और हो गया तो भी क्या, हो के सब बदलने वाला है। अभी तो प्रसन्न रहे, जैसा भी है पुरुषार्थ से जी, लेकिन खुश रह। प्रसन्न रहना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रसन्नता ऐसी अनोखी रसायन है कि सुख को भी बोना कर देगी और दुख को उखाड़ के फेंक देगी। सुख दुख को दबा देता है और आदमी को भोगी बना देता है, लेकिन भगवत चिंतन और प्रसन्नता सुख को सपना, दुख को बुलबुला और दोनों को जानने वाला अपना आत्मा की अमरता जगा देती। तो इस प्रकार की समझ बढ़ाओ, न भूत में वर्तमान को बिगाड़ो, न भविष्य में वर्तमान को बिगाड़ो, न ना समझी में वर्तमान को बिगाड़ो। वर्तमान को आनंद स्वरूप ईश्वर के साथ अटखेलियां करते हुए सुखमय बनाओ। तो आप वर्तमान में सुखमय रहेंगे तो आपका भूत भी बढ़िया हो जाएगा। जो वर्तमान से पसार हो रहा है वो भूत है, और वर्तमान में अभी आया नहीं, आने वाला है, वो भविष्य है। लेकिन वर्तमान की रसमय धारा भूत को भी रसमय बना देगी, भविष्य को भी रसमय बना देगी। ये तुम्हारे हाथ की बात है। धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधारी ने निर्णय कर लिया जब पति नहीं देखते हैं तो मैं भी पट्टी बांधूंगी, लोग समझेंगे कि कितनी पतव्रता है, पट्टी बांध दी। महाभारत का युद्ध जब कौरवों की परास्ता दिखा रहा था और पांडवों में एक भी नहीं मरा और कौरवों की कतारें कतारें मर गई, तो गांधारी ने दुर्योधन को कहला के भेजा के बेटा सुबह सुबह एकदम निर्वस्त्र होकर आना, मैं अपनी पट्टी खोलूंगी और अपनी पतव्रता की तपस्या तुझ पर उड़ेल दूंगी, तेरी काया वज्रकाय हो जाएगी, तू अमर हो जाएगा। दुर्योधन के खेमे में खुशी छा गई और पांडवों के खेमे में रंज छा गया। ये पाप आत्मा अमर बन जाएगा तो धरती पे अच्छे लोग कैसे रहेंगे। सब चिंतित थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते आए, पांडवों ने पूछा माधव तुम्हें पता है गांधारी ने पट्टी खोलकर दुर्योधन को अमर बनाने का आश्वासन दिया है, दुर्योधन सुबह नंगा होके जाएगा और गांधारी पट्टी खोलेगी, वो अमर बन जाएगा। श्री कृष्ण और ठाका मार के हंसे, बोले माधव तुम तो सदा प्रसन्न, बोले वर्तमान प्रसन्न रखो, अपनी सूझबूझ को मैली मुटली मत होने दो। गांधारी पट्टी खोलना नहीं जानती और दुर्योधन कमबख्त नंगा होना नहीं जानता,
वो नंगा नहीं होना जानता और वो पट्टी खोलना नहीं जानती। अगर पट्टी खोलने की अक्ल होती तो जिस समय पाप मूर्ति दुर्योधन और काम मूर्ति दुशासन, द्वेष मूर्ति दुर्योधन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे थे, उस समय कहती कि ए नालायक, स्त्री जाति का अपमान हो रहा है, मेरे कुल की बहू का अपमान मेरा अपमान है, मैं पट्टी खोलूंगी, तेरी नालायकी को भस्म कर दूंगी, तब तो कहीं पट्टी खोलने वाली माना जाए। वो तो पति अंधे हैं तो मैं भी पट्टी बांधती हूँ, मूर्ख लोग समझेंगे कि कितनी बड़ी पतव्रता है, लेकिन ऐसा भी तो सोच सकती थी, मोह की पट्टी खोल सकती थी कि पति को नहीं दिखता है तो मेरी आंखों से उनके काम हो जाएंगे, उनकी आंखें काम नहीं देती तो मेरी आंखें भी, मैं अर्धांगनी हूँ उनके काम आएंगी, वो अंधे हैं तो मैं भी अंधी बन जाऊंगी, ये मोह की पट्टी उसने और बांध दी। और अभी उस पापी दुर्योधन को अमर करने के लिए ममता की पट्टी और बांधती है, ममता की पट्टी खोलनी चाहिए, बेटा है तो क्या है लेकिन अनुचित कर रहा है तो मैं तुझे श्राप दूंगी। जहां ममता की पट्टी जोर पकड़ती है वहां दुख आता है, अनर्थ आता है। श्री कृष्ण ने अपने हो चाहे पराए हो, उचित कर रहे हैं तो मदद दिया और अनुचित कर रहे हैं तो बराबर कसा, चाहे फिर कृष्ण के अपने बेटे क्यों ना हो, अपने साथी सखा क्यों ना हो। यह तो धर्म ततो जया, यह तो धर्म ततो अभ्युदय। माइयों को भाइयों को भी यही करना चाहिए। आजकल क्या है, बंबई में तो आपूस आम पहले पहले आते महंगे होते हैं, 500 रुपए की 400 रुपए की पेटी, एक पढ़ा लिखा गधा आम की पेटी ले आया, उसमें दो बड़े आम आपूस आम लेकर, बच्चे खेल रहे थे वहां, टिन्नू मिन्नू भाई का बेटा और अपना बेटा, हापूस मैंगो कम हियर, दोनों बच्चे आए दोनों हाथ पर, भाई का बच्चा बड़े आम पर आया और अपना बेटा छोटे आम पे आया, बोले आई एम एकदम मैजिक, आंखें बंद करो, क्लोज आईज, 1 2 3, जहां भाई का बेटा था वहां छोटा आम रख दिया और जहां अपना बेटा था बड़ा आम रख दिया। अरे पढ़े लिखे मूर्ख गधे, होना तो ये चाहिए कि अगर भाई के बेटे को छोटा मिल रहा है तो वहां बड़ा देना चाहिए, ममता को हटाना चाहिए, ममता बढ़ाई। ममता करनी तो भगवान से करो, कुटुंब से, धन से, अहम से, पदार्थों से ममता करते इसीलिए हम दुखी हैं। भगवान दुख नहीं देते, प्रकृति ने दुख देने का नहीं ठाना, हम दुख नहीं चाहते, लेकिन काम क्रोध लोभ अहम और ममता से हम दुख बना लेते हैं। तो इसका उपाय क्या है कि ममता करो भगवान से और भगवान के नाते व्यवहार करो। आचार्य विनोबा भावे की माँ रखुनाई भावे, रोटी बच जाती तो स्वयं गरम करके खा लेती और विनोबा को खिला देती, चावल बच जाते बघार करके बासी खुद खा लेती बेटे को देती, लेकिन घर में जो गरीब अनाथ बच्चे को रखा था पढ़ाने के लिए उसको गरम गरम रोटियां बना के खिलाती थी, गरम चावल देती थी, ताजे चावल। एक दिन विनोबा भावे ने पूछा कि माँ तुम बोलती हो कि सब में भगवान है, समता रखनी चाहिए, तो फिर ये अनाथ बालक जो हमारे घर में रहता है सारा खर्चा पिताजी संभालते, तो उनके लिए तो तुम गरम गरम भोजन करवाती हो और मुझे अपने बेटे को तू बासी देती हो, ये भी तो पक्षपात है। बोले हाँ मेरे लाल, मुझे वो अतिथि भगवान का भेजा हुआ भगवान का पुत्र लगता है और तू मुझे अपना बेटा लगता है, इसलिए ममता है ना, ममता के कारण मैं तुझे ताजा नहीं देती हूँ, जैसा मैं खाती हूँ ऐसा खिलाती हूँ, और वो तो भगवान का बेटा इसलिए उसको ताजा देती हूँ। ये हो गया धर्म, ये हुआ पट्टी खोलना। रखुनाई भावे इन विनोबा की माँ ने तो पट्टी बांधी नहीं और जो पट्टी थी जन्म जन्मांतर की वो भी खोल दी, लेकिन इस भाई ने तो पट्टी बांधी और ऐसी बांधी
कि खोलने के नाम पर भी और दूसरी पट्टी बांध रही है कि हे पाप मूर्ति पुत्र तू आ जाना, मैं पट्टी खोलूंगी, तू नग्न होके आ जाना, मैं दृष्टि डालूंगी, तू अमर बन जाएगा। इसको पता नहीं कि धरती पर कोई अमर नहीं हुआ, तो मेरा बेटा पापी कैसे अमर हो जाएगा। तपस्या की, लेकिन तपस्या को कहां डाल रही है, ममता में डाल रही है। हम भी जो कुछ कमाते हैं, खाते लेते देते हैं, तो हमारा गोल होता है अपना लोभी वाला, अपनी खुशामत वाला, अपना सखा, अपनी सखी, अपने ये, अपने वाले कुछ भी करे दूध के धोए और दूसरे ऐसे वैसे, इसी कारण दुख बनता है। वो सासू अपने तरफ खींचती है, बहू अपने तरफ खींचती है, देरानी अपने तरफ खींचती है, जेठानी अपने तरफ खींचती है, पड़ोसन अपने तरफ खींचती है, तो शरीर में मोह है, मान्यताओं में ममता है, परिवार में ममता है, कल्पनाओं में ममता है, इसी कारण दुख बनता है। इन ममता के कांटों को उखाड़ के फेंक दो तो हर हमेश मौज। अखंड आनंद सरस्वती महाराज अपने आश्रम में पधारे थे, आनंदमयी माँ उनका सत्संग सुनने जाती थी, इंदिरा की गुरु, जिसने अखंड आनंद जी का नाम सुना है, बम्बई में भी सत्संग करते थे, वृंदावन वाले अखंड आनंद जी का नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो, जाने माने संत थे। उन्होंने किसी बाबा को कहा कि हम, वो जब बच्चे थे खेलते थे तो एक बूढ़ा आकर हमारे बीच खेलता है, कहाँ तो हम बच्चे 12-15 साल के, और कहाँ हमारे बीच ये 60 साल का वृद्ध 58 साल का आकर खेलता है, हम घोड़ा घोड़ा बनते बनाते हैं, हालांकि वो हमको घोड़ा बनाकर हम पर बैठते तो नहीं है, फिर भी हमारे साथ खेलते हैं, हमारे खेल में आ जाते हैं, ऐसे कैसे बूढ़े बच्चों के साथ खेले। बोले इस बूढ़े को साधारण मत समझना, इस बुढ़े के जीवन में दुखों के पहाड़ हैं, लेकिन इसने सिर पर उठाई नहीं है, अज्ञान की पट्टी इन्होंने उखाड़ के फेंक दिए, सत्संग सुना है, वर्तमान को खुशी से बिताओ। इनकी एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी की हुई, तीसरी की हुई, समय के फेर से एक जमाई लोफरों के संग में तो दूसरा जमाई कमाता नहीं, तीसरा जमाई शराबी, तीनों के, किसी के 4 बच्चे पहली के, दूसरी के 3 और तीसरी के 3, 4, 3, 7, 2, 9 बच्चे और 3 बेटियां घर पे हैं, खेत खली बिक गया, आय का कोई साधन नहीं, एक छोरा है वो भी आवारा होके घूम रहा है। बुढ़े के जीवन में दुखों के पहाड़ हैं, लेकिन मैं दुखी हूँ, हाय रे हाय, अब क्या होगा बेटियों का, हाय रे हाय, बेटियों के बेटों का क्या होगा, बेटियों के बेटी का क्या होगा, जमाई क्या होगा, इस चिंता को कर करके वो शमशान का रास्ता नहीं ले रहा है, तुम्हारे साथ हमारे साथ हंसी मजाक करके खेलते खिलाते समय आनंद से पसार कर रहा है। इतना बड़ा भारी दुख और फिर भी वो आनंद से समय पसार कर रहा है। तुम्हारे जीवन में तो तीनों बेटियां, 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे लेकर आई नहीं, भगवान भी ना करे, तभी भी तुम परेशान हो रहे हो, क्या करे बेटी बड़ी हो गई, अरे बड़ी हो गई तो हो गई, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो तुम दुख खोज के उसको बार बार, जैसे दादर की बीमारी होती है ना, खुजला खुजला के बड़ा करते हैं, ऐसे ही 32 दांत है उसमें से एक चला गया तो बार बार निगुड़ी जीभ वहीं जाती है, नहीं है नहीं है, अरे निगुड़ी रांड नहीं है तो नहीं है, 31 तो दांत है लेकिन बार बार उधर जीभ जाती, किसी का फर्नीचर देखकर खटकता है कि अपने पास ये नहीं है, किसी का फ्लैट देखकर खटकता है कि इसके तो 4 बेडरूम है, हमारे तो 3 है, उसके तो 3 है, मेरे तो 2 हैं, इसके 2 हैं, हमारे पास तो एक ही बेटी रूम है, और क्या है बाबा, और इधर की, अरे जिनके पास एक बेडरूम भी नहीं, फुटपाथ पे पड़े, वो भी आनंद से जीते, तू काय को रो रही है, काय को मर रही है। तो दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख प्रकृति ने नहीं बनाया, दुख हम चाहते नहीं, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह और ना समझी ये हमको दुखों में गरकाव कर देती है। सत्संग से काम क्रोध लोभ नियंत्रित हो जाती है और ना समझी के पैर उखड़ जाते और मनुष्य आनंद में रहने लगता है। दीक्षा के पहले जो जीवन था, सत्संग के पहले जो जीवन था, और दीक्षा और सत्संग के बाद
चाहे जीवन बाहर से ऐसा भी दिखे, फिर भी जिनको सुख का शांति का पहले जितना दुख दबाता था अभी नहीं दबाता, पहले जितना सुख अहंकारी बनाता भोगी बनाता था इतना नहीं बना, पहले सत्संग में रस नहीं आता था अब आने लगा, पहले भगवान में रुचि नहीं होती थी अब होने लगी, पहले मान बड़ाई सच्चा लगता था अब स्वप्न होने लगा, पहले ध्यान भजन में कुछ अनुभव नहीं होते थे अभी होने लगे। इस प्रकार के 33 आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और साधक के जीवन में 4 चांद चमकने लगते हैं। ऐसा अनुभव होता हो तो हाथ ऊपर करो, देख लो। सत्संग दुख मिटाने की, अज्ञान मिटाने की, विकार मिटाने की परम पाठशाला है।